सुसार गरेपछि इन्ट्रान्स दियो अनि अब थ्योरी के पढ्नु पर्छ त्यो पढियो अनि प्र्याक्टिकलमा के सोध्छ तीन विषयको प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो अनि त्यो कुराहरू तयारी गरियो फेरि भाइवा हुन्छ भाइवामा वर्क देखाउनु पर्यो पेन्टिसन चित्रकला मूर्तिकला र प्लाइटा तिनवटा प्र्याक्टिकल हुन्छ अनि एक विषयको थ्योरी हुन्छ भन्नाले चार पेपरको इन्ट्रान्स हुन्छ त्यसपछि एउटा भाइवा हुन्छ आफ्नो पेन्टिङ सित पेन्टिङ देखाएर छैन थाहै थिएन इन्टरमा आर्ट पनि हुन्छ बेटा अनि त्यसपछि चाहिँ तयारी गरियो खुब मजाले दिन रात लागेर अनि तयारी नगरेको भए मेरो एडमिसन हुन्थेन किनभने थाहै थिएन केही पनि अब पोस्टर कलर वाटर कलर यसो यसोमा इन्ट्रान्स हुन्छ त्यो म त देखेको पनि थिएन अनि जम्मै तयारी गरिसकेपछि तपाईँको इन्ट्रान्सको टाइम आयो अनि इन्ट्रान्सहरू दियो अनि त्यो पेपरहरू हेर्दा मलाई एउटा लाग्थ्यो कि मेरो भइहाल्छ अरूको तुलनामा मैले जुन हिसाबले तयारी गरेको मेरो भइहाल्छ अनि यता चाहिँ मेरो घरमा थाहा भइसकेछ काठमाडौँ गएछ इन्डिया भागेर गएछ उ त थाहा भइसक्यो अनि इन्टरभ्यू आयो इन्टरभ्यू मैले फेस गरियो अनि इन्टरभ्यूमै सोधियो बलबीर सिंह गर्थ्यो त्यो ठाकुर प्रसाद मेनालीको क्लासमेट हो या त्यो बेलाको ठुलो नाम चलेको आर्टिस्ट हो डिन थियो त्यो बेला निकै हो सोध्यो अच्छा तुम नेपाल से आयो अच्छा उहाँ शशि शाहका नाम सुने हो कहीँ मिल्यो नै सुन नेपाल से आयो शशि शाहका नाम नै सुने हो नहीं सुने अच्छा वो बलबीर ठाकुर प्रसाद मीनाली जो मूर्ति बनाते उसका नाम सुने नहीं नहीं सुने क्योंकि काठमांडू आ गए थे अच्छा वो भी नहीं उसका मूर्ति समय देखे अच्छा किसका किसका एग्जीबिशन देखे एग्जीबिशन प्रदर्शनी एग्जीबिशन जो पेंटिंग का लगता है अभी तो क्या क्या किसका किसके वहां देखे किसी का नहीं देखे अभी तो किसी का एग्जीबिशन भी नहीं देखे हो क्योंकि नहीं तुम कैसे आ गए यहाँ पर कैसे पता चला कि आर्ट में ऐसा होता है हम कहेंगे देखिए ये सब काठमांडू में होता है हम काठमांडू के नहीं अच्छा परमेश को तो जानते हो किरण मानंद हमको जानते हो कि नहीं अच्छा परमेश को तो जानते हो कि नहीं कितने दिन से यहाँ पर लगभग एक डेढ़ महीना हो गया डेढ़ महीना हो गया और परमेश यहीं पर नेपाल का पढ़ रहा है युवक तुलाधर यहीं पर पढ़ रहा है तुम उसको भी नहीं जाने तो क्या कर रहे थे डेढ़ महीना से बस मैं पेंटिंग बना रहा था पेंटिंग तैयारी कर रहा था कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा हम हमारा मतलब का विषय नहीं था हम तैयारी कर रहे थे और मुझे पहली बार पता चला कि हम नेपाल का है जरूर मिलते तो कहेंगे तुम आर्टिस्ट बनने का सोचे कैसे मतलब कि तुम किसी को जानते भी नहीं ना कभी आर्ट देखे ना कभी कुछ ना एग्जीबिशन देखे पोस्टर देखे पिक्चर हम कहेंगे ये कुछ हम नहीं जानते हम बचपन से चित्र बनाते थे माँ के साथ एक बार इंडिया बॉर्डर पर क्रांति का पोस्टर देखे थे फिल्म का तो बोला सब लोग देख रहा था तो हम सोचे हाथ से बनाया हुआ हमने सोचा कि हम ऐसा ही पोस्टर बनाएंगे इससे भी बड़ा आर्टिस्ट बनेंगे और एक आदमी ने कहा कि बनारस में इसकी पढ़ाई होती है तो बस मैं 16 घंटा लेके बनारस आ गया।